नमस्कार, तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है नंगल दे करीबी पिंड तरफ मजारी तो, जिथे कि जमीनी विवाद नू लैके देर रात एक झगड़ा हो गया ते इस झगड़े दे विच एक व्यक्ति दी मौत हो गई है। नंगल तो थाना डीएसपी सतीश कुमार ने दस्या कि जमीनी विवाद नू लैके लड़ाई इन्नी ज्यादा बढ़ गई कि एक व्यक्ति दी मौत हो गई है, जिसकी पहचान अनिल वासी हरियाणा वजो हुई है। पुलिस की मनीए तो उन्होंने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस दे विच दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बाकी की तलाश लगातार जारी है। नंगल तो डीएसपी सतीश कुमार की मनीए तो उन्होंने कहा कि सारा मामला जमीनी विवाद नाल जुड़िया होया है। आरोपियों वालों मृतक अनिल ते उसके साथी उत्ते हमला किया गया, सर उत्ते डंडिया नाल हमला किया गया, जो कि पुलिस वालों बरामद कर ले गए हैं। सिर विच सट लगन तो बाद अनिल नूं सिविल हस्पताल ले जाया गया, जिथे डॉक्टरां ने अनिल नूं मृत घोषित कर दिता। पुलिस वालों सत्त आरोपियों के खिलाफ धारा 302 323 149/49 धारावां तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस के हिरासत के दो आरोपी आ गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। इत्थे दसना यह भी बनता है कि दोवें धिरां माइनिंग के जुड़िया हैं, इन्हां दे अपने क्रैशर भी हैं। तो पहला तुहानूं सुणांदे आं कि क्रैशर मार्क बलजिंदर सिंह ने किस प्रकार हुई घटना बारे जानकारी दी है, उस तों बाद सुणदे आं डीएसपी सतीश कुमार ने की जानकारी दी। नंगल तों पंजाब टीवी प्राइम दे लई राकेश राणा की रिपोर्ट। बलजिंदर सिंह, की मामला हुआ जी, क्यों लड़ाई झगड़ा किदा होया, थोड़ा डिटेल च दसो। लड़ाई झगड़ा इदा हुआ जी, रात कोई 11:30 कुछ बंदे शराब पीती हुई सी, साढ़े फार्म दे विच अपनी कारां दे विच पहुँच गए, तो मैनू मेरे फार्म तो पता लग गया भी कोई बंदे शराब पी के तारा तोड़ के फार्म दे अंदर आ गए ने, तो गाली गलोच कर रहे हैं। तो मैं वो देखने लई भी कौन आ उत्थे, मौके ते पहुंचिया। मौके ते जदों पहुंचे आ तो वो इन्ने शराब ना धुत सके, गड्डी चो उतरन दे सार उन्होंने साड़ी गड्डी टक्करा मारनिया, कारना शुरू कर दी अपनिया, तो 8-10, 7-8 बंदे सके, तो साढ़े बंद झपट पे उत्थे। जदों एकदम झपट पे तो कुछ बंदे डरते मारे इधर उधर भज गए, तो सा मेरा एक मुंडा ड्राइवर सेगा, वो इन्होंने सारे ने सिट के थले तो सिर च डंडे मारे, तो जिस नाल उहदी मौत हो गई। की मतलब लड़ाई का कारण की सी तुहाडे, मतलब क्यों लड़ाई का कारण? असी कोई 6-7 दिन पहला जी ये जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, साढ़े नाल एक हरजिंदर पुलसिया करके बंदा मनदीप भोडा है, उन्होंने जमीन लगती है जी, बस उस खहबाजी के भी बहरले बंद ने आके नाल जमीन ली है, हरजिंदर पुलसिए की शह से यह सारिया ने रल के मारन की नीत नाल साढ़े वर्करां ते हमला किया, जिस नाल उहदी मौत हो गई। जिहड़ा भोडा है उसका बैकग्राउंड भी पहला क्राइम, पहला भी बैकग्राउंड क्रिमिनल है जी, वह पहला भी कतल के केस जमानत पर है। इस हरजिंदर सिंह पुलसी है एक, उहदे नाल सांझे क्रैशर चलाउंदा है, जो जिसकी शह ते सारा काम होया, उत्थे ललकारे भी मार रहे सी वी हरजिंदर कह रहा मैं आपे सांभ लूंगा, वी इन्हां नूं जानो मार दो। ते किन्ने बंदिआं पर तुसीं बाई नेम तुसीं करवाया, किन्ने लोग ने, पुलिस की कार्रवाई करी है? जिस टाइम मौके ते बयान होए ने उस टाइम चलो हफड़ा तफड़ी च 2-3 बंदे असी मौके पर अरैसट कराए ने, बाकी 3-4 बंदे होर ने जिहड़े असी आइडेंटिफाई कर ले ने, वो असी पुलिस नूं दस के नामजद करवाउंदे। फिलहाल जो पुलिस कार्रवाई कर रही है किते ना किते तुसीं संतुष्ट हो कि तुहाडे? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हां। की नाम सी लड़के दा, उम्र किन्नी सी? अनिल सी जी, इहदा मुंडे दा नाम, इहदी 32-33 साल उमर सी, पानीपत दा रहिण वाला सी। इह रात 11:30-12 बजे दा टाइम सी, उस वेले मनदीप एरियस भोडा वासी ललोटी पी एस नूरपुर बेदी, ये नाल से नरेंद्र निंदी एरियस पटवारी, ये इन्हां नाल 4-5 बंदे होर सी। ये जमीन ते आए अपना मुंडा बलजिंदर माछीवाड़े का, उहदी जमीन ते आए उत्थे, उहदे आके उत्थे इन्हां दे किसे दा इहनूं फोन आया भई अपने अंदर ये आपड़े तार खोल के, तो उहदा करके इन्हां दी आपसी उत्थे तकरारबाजी हो गई, भी तकरारबाजी च इन्हां दे एक बंदे ते सट्टां लगियां, रौला सी इन्हां दा जमीनी विवाद आपसी, जमीनी विवाद करके इन्हां दा एक दे सिर च सट्ट लगी, जां उह कुछ ज़्यादा लगी, उहदी मौत हो गई। एक दे सर जमीनी विवाद सी कि माइनिंग नूं लै के विवाद सी? नहीं, जमीन इन्हां नाल नाल लगदी है। माइनिंग दा काम चलदा उत्थे? नहीं, जमीन च नहीं ना, जमीन च नहीं चलता, जमीन कट्ठी है नाल नाल लगती है, इन्हें वैसे क्रैशर है दोनों तरह दे। हाँ जी सर, एक चर्चा इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है कि उत्थे गोली भी चली है? नहीं, गोली का कोई साढ़े नॉलेज नहीं है, ना कोई कोई इदा की कोई गल है। तो सर जी मौत है वो मुक्के ते होगी या होस्पिटल लगे हुए? वो जो होस्पिटल गए तो उत्थे डॉक्टर ने डेड दसता। सर कि धारा तहत मामला दर्ज किया, किन्ने लोगों के खिलाफ किया और किन्ने लोग गिरफ्तार किए? दो
ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਦੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣ ਫਚਾਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ 302, 323, 148, 49 ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਭੋਡਾ, ਦੂਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ। ਸਰ ਮੁੱਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ? ਅਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 2 ਪੋਕਲੈਂਡਾਂ ਅਤੇ 3 ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਕਰ ਦਵਾਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਤੋੜ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੋੜ ਫੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਓਪੀਡੀ, ਗਾਇਨੀ ਓਪੀਡੀ, ਬੇ ਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ, ਨੋਰਮਲ ਅਤੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।